So in this lecture, we will discuss the actuation systems used in the mechatronics. The four basic components of mechatronics are sensor, controller, actuator, and mechanical components. So in charo mein se aaj ke lecture mein hum discuss karenge actuation system और एक्चुएटर्स, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि एक्चुएटर होता क्या है या एक्चुएशन सिस्टम होता क्या है। एन एक्चुएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ मशीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग। मूविंग मतलब मोशन, मूविंग से मतलब क्या है, मोशन, जो कंपोनेंट मोशन प्रोवाइड करेगा। एंड कंट्रोलिंग ए मैकेनिज्म और ए सिस्टम, और इस मोशन को कंट्रोल भी करेगा, या जो पूरा सिस्टम है उसको मोशन के थ्रू कंट्रोल करेगा, ठीक है। यानी कि जो कंपोनेंट मेकाट्रॉनिक्स में मोशन प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड करेगा, वो कंपोनेंट होगा एक्चुएटर। जो मैकेनिकल मोशन होता है वो बेसिकली दो तरीके का होगा, या तो होगा रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, या तो रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, या फिर रोटरी हो सकता है, या फिर रोटरी हो सकता है। तो दो तरीके का मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड कर सकता है एक एक्चुएटर, और साथ ही साथ इस मोशन को आपस में कन्वर्ट भी कर सकता है, रोटरी से रेसिप्रोकेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग से रोटरी मोशन। ये मोशन भी आपको मिल सकता है किसी एक्चुएशन सिस्टम से या किसी एक्चुएटर से। तो ये काम होता है एक्चुएटर का, मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड करना। किसको? मैकेनिकल कंपोनेंट्स को। इसके बाद में क्या आएगा? मैकेनिकल कंपोनेंट, फर्स्ट सेंसर, दूसरा कंट्रोलर, तीसरा एक्चुएटर। एक्चुएटर का काम है मोशन प्रोवाइड करना, तो उसके बाद में जो कंपोनेंट आएगा उसी को मोशन प्रोवाइड करेगा ना। तो ये मोशन प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल कंपोनेंट्स को, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। जिस भी तरीके का एप्लीकेशन होगा उस तरीके का मैकेनिकल कंपोनेंट यूज हो रहा होगा, और उसको मोशन प्रोवाइड करेगा, आइदर रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी, या फिर जो मोशन है उसको कन्वर्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक एक्चुएटर है, एक्चुएशन सिस्टम है, इसमें आपका पीछे कहीं पे सेंसर होगा, सेंसर के बाद में कंट्रोलर, कंट्रोलर के बाद में आपका शुरू होगा एक्चुएटर। तो ये है आपका एक एक्चुएटर। अब इस एक्चुएटर में क्या है, कंट्रोलर से आपको एक वायर के थ्रू एक इलेक्ट्रिक मोटर है, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ये वायर के थ्रू इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। अब मोटर का जो फंक्शन होता है, दैट इज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी जो मोटर के एंड पे मिलती है, दैट इज अ रोटरी मोशन। तो यहाँ पे जो ये मोटर की शाफ्ट है ये रोटेट करेगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रोटरी मोशन, रोटरी मोशन मिल रहा है। अब इस मोटर पे आपने लगा दिया है एक स्क्रू, यहाँ पे आपने लगा दिया है एक स्क्रू, इसको बोलते हैं लीड स्क्रू, इसको बोलते हैं लीड स्क्रू। अब इस लीड स्क्रू में क्या है, थ्रेड्स होते हैं, और इन थ्रेड्स में इसके ऊपर से एक रैम कनेक्टेड रहती है, और ये रैम के इंटरनल में थ्रेड्स लगे रहते हैं, इस रैम के इंटरनल में थ्रेड्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्रेड्स हैं, जब ये मोटर रोटेट करती है तो लीड स्क्रू रोटेट करता है, लीड स्क्रू रोटेट करता है, तो स्क्रू स्क्रू में जो मोशन होता है उसकी वजह से ये जो रैम है वो मूव करती है, आइदर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, मतलब लीनियर डायरेक्शन में। मतलब इसका मोशन कैसा रहता है, रेसिप्रोकेटिंग, इसका मोशन कैसा हो जाता है, रेसिप्रोकेटिंग। तो रोटरी मोशन को कन्वर्ट कर देता है ये जैसे नट एंड बोल्ट होते हैं, तो आप नट को रोटेट कराते हो तो बोल्ट जो है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है ना उसपे। तो बोल्ट का अगर आप मोशन देखोगे तो वो कैसा रहेगा, लीनियर मोशन, जबकि आप मोशन नट बोल्ट में नट को कैसा मोशन प्रोवाइड करा रहे हो, सर्कुलर मोशन। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये नट है आपका, स्क्रू है, और ये स्क्रू को आप रोटेट कराओगे तो इसके ऊपर जो ये रैम लगी हुई है स्क्रू थ्रेड के द्वारा, इस रैम का जो मोशन है वो आपको मिलेगा लीनियर मोशन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को आप यूज कर सकते हो किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट को ड्राइव करने। तो इसके आगे आपका लगा होगा कोई मैकेनिकल कंपोनेंट, और उस मैकेनिकल कंपोनेंट का जो भी काम होगा उसको आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करोगे और उससे वो काम अचीव कर सकते हो। तो ये होता है बेसिकली एक्चुएटर। तो एक्चुएटर का काम क्या होता है, मोशन प्रोवाइड करना। मोशन दो तरीके का हो सकता है, रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी, और साथ ही साथ ये मोशन को कन्वर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स, कितने टाइप के एक्चुएटर्स हो सकते हैं। मैकेनिकल एक्चुएटर्स, न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, मैकेनिकल मतलब जिसमें सारे कंपोनेंट मैकेनिकल कंपोनेंट होंगे। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स क्या होंगे, जिसमें कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से हम मोशन प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से मोशन प्रोवाइड करेंगे। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स क्या हो सकते हैं, जिनमें आप किसी लिक्विड या किसी ऑयल की हेल्प से मोशन को प्रोवाइड करोगे, लिक्विड या किसी ऑयल की हेल्प से पावर को ट्रांसमिट करोगे, और उस पावर से कोई मोशन आपको मिलेगा, आइदर रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी मोशन। तो ये हो गए हाइड्रोलिक। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, जैसे मोटर हो गया,
इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर और हाइब्रिड एक्चुएटर। हाइब्रिड मतलब ये जो टाइप के बनाए हैं हमने, इन दोनों इनमें से किसी दो टाइप को कंबाइन करके हम बना सकते हैं हाइब्रिड एक्चुएटर। जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को कंबाइन करके हम बनाते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का मोटर है और बाकी जो स्क्रू रैम वगैरह ये सब मैकेनिकल कंपोनेंट है। तो दिस इज द हाइब्रिड एक्चुएटर जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल मोटर और मैकेनिकल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर बनाया है। उसी तरीके से आप हाइड्रोलिक और मैकेनिकल को कंबाइन करके बना सकते हो, न्यूमेटिक और मैकेनिकल को कंबाइन करके बना सकते हो। तो जो दो अलग अलग टाइप के एक्चुएटर्स को मिला के बनेगा कंबाइंडली वो हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स। तो इसमें से हमें डिस्कस करने हैं मैकेनिकल, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, इनमें से हमें डिस्कस करने हैं। तो देखते हैं नंबर वन मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम। मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम, मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम क्या होती है जिसमें जो मोशन प्रोवाइड करेंगे वो सारे के सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स होंगे और उस मोशन में आपका किसी तरह का कन्वर्जन भी हो सकता है। जैसे रोटरी मोशन कन्वर्ट हो सकता है लीनियर मोशन में या लीनियर मोशन कन्वर्ट हो सकता है रोटरी मोशन में। लीनियर का मतलब होता है ये लाइन में, लाइन में कौन सा होता है लीनियर कह सकते हो आप इसको लीनियर मोशन, या फिर इसको रेसिप्रोकेटिंग भी बोल सकते हो आप, इसको रेसिप्रोकेटिंग भी बोल सकते हो। तो आइदर रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में और रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ रोटरी को रोटरी में भी। अब रोटरी को रोटरी में क्यों कन्वर्ट करना, देखो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास एक शाफ्ट है और इस शाफ्ट पे लगा हुआ है एक कोई रोटर जो रोटेट कर रहा है, लेकिन आपको इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक दूसरी शाफ्ट है और आपको ये रोटरी मोशन यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पे इस मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए, रोटरी को रोटरी में ट्रांसमिट करने के लिए चाहिए होंगे मैकेनिकल एक्चुएटर्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स। तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। तो हो सकता है कि रोटरी से रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्जन हो सकता है कि रेसिप्रोकेटिंग से रोटरी में हो सकता है कि रोटरी से रोटरी में हो। तो किसी भी तरीके का जो मोशन है वो प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल एक्चुएटर्स। कौन कौन से मैकेनिकल एक्चुएटर्स यूज होते हैं मेकाट्रॉनिक्स में उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन से मैकेनिकल एक्चुएटर्स हैं जो यूज हो सकते हैं मेकाट्रॉनिक्स में, काइनेमेटिक चेन है, कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म है, रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म है, गियर्स हैं, बेल्ट ड्राइव्स हैं, चेन ड्राइव्स हैं और बियरिंग्स हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल एक्चुएटर्स हैं जो मेकाट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं और मैकेनिकल में तो इनका बहुत ज्यादा यूज है, हर जगह पे आपको इनका यूज मिलेगा। लेकिन इन एक्चुएटर्स को हम मेकाट्रॉनिक्स में भी यूज करते हैं। तो जब मेकाट्रॉनिक्स में हम मैकेनिकल एक्चुएटर्स को यूज करते हैं तो उसमें से कौन कौन से जो तरह के हैं मेन मेन तरह के, उसमें से ये हमने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, काइनेमेटिक चेन हो सकती है, कैम फॉलोवर, रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, गियर्स, बेल्ट एंड बियरिंग। तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काइनेमेटिक चेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक चेन। तो देखते हैं काइनेमेटिक चेन तो आप लोग समझती हो। चेन क्या होता है, जब पहला कंपोनेंट आखिरी कंपोनेंट से जुड़ा होता है किसी भी चीज में, चाहे हम बात नहीं कर रहे काइनेमेटिक चेन की, मैं बात नहीं कर रहा कोई भी एक जनरल चेन, जो जैसे आप गले में भी चेन पहनते हो, तो जो फर्स्ट लिंक होता है उस चेन में और जो लास्ट लिंक होता है जब वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं चेन। जैसे ये एक लिंक हो गया, ये दूसरा लिंक हो गया इसके साथ कनेक्ट, ये तीसरा लिंक हो गया, ये चौथा लिंक हो गया, ये पांचवा लिंक हो गया, ये छठा लिंक हो गया, ये सातवां लिंक हो गया और जब ये आठवां वाला इस फर्स्ट वाले से कनेक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगी एक चेन। ठीक है, ये तो हो गई एक चेन। काइनेमेटिक चेन क्या होती है, जब इसका जो मोशन रहेगा, इस चेन का जो मोशन रहेगा, जैसे एक चेन ये हो गई, एक लिंक ये हो गया, दूसरा लिंक ये हो गया, तीसरा लिंक ये हो गया, चौथा लिंक ये हो गया, पांचवा लिंक ये हो गया, ये आपस में हो गए कनेक्ट। दिस इज 1 2 3 4 5, पांच लिंक बन के एक चेन बना रहे हैं और इसका जो पहला और पांचवा लिंक है यानी कि पहला और आखिरी लिंक है वो आपस में कनेक्टेड है, तो ये हो गई एक चेन। अब इस चेन का जो मोशन होगा, अगर वो कंस्ट्रेंट मोशन होगा, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होगा, तो इसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। इसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन। ठीक है, अब काइनेमेटिक चेन जो है इसमें लिंक है, ये तो लिंक हो गए 1 2 3 4 5 लिंक हो गए। अब ये जो लिंक आपस में जहां पे कनेक्ट रहेंगे ना उनको बोलेंगे पेयर। जैसे एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। ठीक है, ये पेयर हो गया। अब ये जैसे दो लिंक आपस में मिलके एक पेयर बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे बाइनरी पेयर।
उसको बोलेंगे बाइनरी पेयर। दो लिंक मिलके एक पेयर बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे बाइनरी पेयर। तीन लिंक मिलके एक पेयर बना रहे हैं तो इसको बोलेंगे टर्शरी पेयर। उसी तरीके से चार लिंक मिलके एक पेयर बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्वार्टरनरी पेयर। ठीक है, तो हमें बाइनरी पे फोकस करना है, बाइनरी पे फोकस करते हैं। तो बाइनरी क्या है, दो लिंक मिलके एक पेयर बनाएंगे तो वो होगा बाइनरी पेयर। अब पेयर को ध्यान से समझते हैं, लिंक तो समझ में आ गया, ये तो लिंक है आपस में उसके, लिंक कैन एनीथिंग, लिंक कुछ भी हो सकता है, जो भी उसकी कड़ी है वो सब लिंक हो गए। पेयर को समझते हैं ध्यान से, देखो अगर दो लिंक आपस में इस तरीके से कनेक्ट हैं, अगर दो लिंक आपस में इस तरीके से कनेक्ट हैं कि उन दोनों के बीच में रोटरी मोशन आ सकता है, उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो सकता है वो रोटरी मोशन हो सकता है, मतलब एक लिंक दूसरे लिंक पे टर्न कर सकता है, एक लिंक दूसरे लिंक पे टर्न कर सकता है, उसके अबाउट घूम सकता है। जैसे कि कोई शाफ्ट है और इस शाफ्ट के ऊपर हमने एक इस तरीके से एक होल चढ़ा दिया, स्क्रू नहीं चढ़ाना है, एक होल चढ़ाना है, तो ये जो होल है ये इस शाफ्ट के चारों तरफ घूम सकता है ना, इस शाफ्ट के ऊपर घूम सकता है, तो इस तरीके का पेयर हो जाएगा आपका टर्निंग पेयर। इस पेयर को बोलेंगे हम टर्निंग पेयर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द टर्निंग पेयर। तो अगर एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर टर्न कर सकता है तो उसको बोलेंगे टर्निंग पेयर। ठीक है, अब दूसरा, जैसे ये एक लिंक है, दिस इज द फिक्स्ड पार्ट, और इसके ऊपर हमने एक रख दिया स्लाइडर, ये स्लाइडर, तो ये जो स्लाइडर है ना, ये इसके ऊपर, इस लिंक के ऊपर, दिस इज लिंक नंबर वन, दिस इज लिंक नंबर टू, तो ये जो स्लाइडर है इस लिंक नंबर वन के ऊपर इस तरीके से स्लाइड कर सकता है, इसके ऊपर, तो इस लिंक नंबर वन के ऊपर इस तरीके से स्लाइड कर सकता है, तो इस लिंक को बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर, इस लिंक को बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, उसके बाद टर्निंग हो गया, स्लाइडिंग हो गया। अब मान लो ये एक सर्फेस है, दिस इज द फिक्स्ड सर्फेस, ये हो गया लिंक नंबर वन, इसके ऊपर कोई रोलर है, इसके ऊपर कोई रोलर है, तो अब ये जो रोलर है इसके ऊपर ये रोल कर सकता है, तो ये हो जाएगा रोलिंग पेयर, ये हो जाएगा आपका रोलिंग पेयर। ठीक है, ये हो जाएगा रोलिंग पेयर। अब जैसे नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट में क्या होता है कि एक नट होता है और एक बोल्ट होता है, अगर आप नट को घुमाओगे या बोल्ट को घुमाओगे तो वो घूम तो जाएगा, उसके ऊपर नट भी घूम जाएगा, बोल्ट भी घूम जाएगा, तो घूम गया तो टर्निंग पेयर हो गया, उसके ऊपर टर्न कर गया। लेकिन जब आप उसको टर्न कराओगे ना, तो वो टर्न कराने के साथ में होगा क्या कि जैसे यहाँ पे ये आपका नट है, इस पे लगे हुए हैं थ्रेड्स, इसमें तो थ्रेड्स बने हुए हैं, और इन थ्रेड्स के ऊपर लगा हुआ है एक नट लगा हुआ है, तो जब आप नट को रोटेट कराओगे ना, तो नट क्या होगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा या ऊपर की तरफ जाने लगेगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब वो स्लाइड भी कर रहा है, नट के ऊपर टर्न भी कर रहा है, और सॉरी बोल्ट के ऊपर टर्न भी कर रहा है और स्लाइड भी कर रहा है, तो दोनों मोशन जब एक साथ होंगे तब इसको बोलेंगे स्क्रू पेयर, इसको बोलेंगे स्क्रू पेयर। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रू पेयर, जैसे नट और बोल्ट के बीच में होता है स्क्रू पेयर, नट और बोल्ट के बीच में होता है स्क्रू पेयर। जैसे पिस्टन सिलेंडर में होता है, पिस्टन सिलेंडर में कौन सा होगा, स्लाइडिंग पेयर होगा, पिस्टन सिलेंडर में स्लाइडिंग पेयर। उसके बाद लास्ट आता है स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर क्या होता है, स्फेरिकल पेयर ऐसा पेयर होता है जो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, जैसे आपका जो घुटना होता है, नी ज्वाइंट होता है ना, नी ज्वाइंट घुटने में, तो आप देखो पैर को आप कहीं भी कैसे भी घुमा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो, पूरा रोटेट करा सकते हो उसके ऊपर, तो इस तरीके का जो पेयर होता है वो होता है आपका स्फेरिकल पेयर, जैसे आपके बाइक के मिरर्स में रहता है, तो जो बाइक के मिरर्स होते हैं उसको आप कहीं को भी कैसे भी घुमा सकते हो, तो उस तरीके का पेयर होता है स्फेरिकल पेयर। ठीक है, उस तरीके का पेयर होता है आपका स्फेरिकल पेयर। तो टर्निंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्क्रू और स्फेरिकल पेयर, तो ये हो गए आपके टाइप ऑफ पेयर के। दो लिंक जब आपस में कनेक्ट होंगे तो उनमें जो मोशन होगा वो किस तरीके का होगा, टर्न कर सकता है तो टर्निंग पेयर, स्लाइड कर सकता है तो स्लाइडिंग पेयर, टर्न स्लाइड दोनों कर सकता है तो स्क्रू पेयर, रोल कर सकता है तो रोलिंग पेयर, और किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है तो स्फेरिकल पेयर। हमें फोकस करना है सिर्फ अभी टर्निंग पे और स्लाइडिंग पेयर पे, टर्निंग पेयर पे और स्लाइडिंग पेयर पे। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने काइनेमेटिक चेन। तो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक जो चाहिए होते हैं किसी काइनेमेटिक चेन को बनाने के लिए वो होते हैं चार। मिनिमम नंबर ऑफ लिंक जो किसी काइनेमेटिक चेन को बनाने के लिए चाहिए वो होते हैं चार, मिनिमम लिंक। ठीक है, अब इन चार लिंक को, क्योंकि देखो अगर आप तीन में इस तरीके से बनाना चाहोगे ना, इस तरीके से, तो ये किसी को यूज की नहीं है, इसमें कोई मोशन ही नहीं हो पाएगा, ये आपको कुछ आउटपुट नहीं दे पाएगी, तो ये बेकार है।
मिनिमम लिंक जो चाहिए होंगे, दो से तो बन ही नहीं सकती, ठीक है, तीन से बन जाएगी लेकिन किसी यूज की नहीं है, बेकार है बिल्कुल। तो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक जो चाहिए वो चार होते हैं। अब चार लिंक को यूज करके तीन अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म बनती है, चार लिंक को यूज करके तीन अलग अलग तरीके की काइनेमेटिक चेन बनाई जा सकती है। कौन कौन सी? एक तो होती है फोर बार चेन, एक होती है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म या चेन, और एक होती है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो चार लिंक को यूज करके, क्योंकि मिनिमम लिंक चार तो चाहिए ही चाहिए किसी भी काइनेमेटिक चेन को बनाने के लिए या उसको ऑपरेट कराने के लिए, उससे कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट लेने के लिए मिनिमम चार लिंक चाहिए। तो उन चार लिंक का यूज करके तीन मैकेनिज्म बनती है, फोर बार चेन, सिंगल स्लाइडर चेन और डबल स्लाइडर चेन, ठीक है। फोर बार चेन क्या होती है? इसमें चार लिंक होते हैं, चार लिंक होते हैं और चार पेयर होते हैं, चार पेयर होते हैं, और ये चारों पेयर कैसे होते हैं? टर्निंग पेयर होते हैं। चारों पेयर कैसे होते हैं? टर्निंग पेयर होते हैं। तो चारों पेयर अगर टर्निंग पेयर हैं, चार लिंक हैं, तो उस तरह की मैकेनिज्म या उस तरीके की चेन को बोलेंगे फोर बार चेन, फोर बार चेन, ठीक है। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन क्या होती है? इसमें देखो नाम वैसे ही आ गया, स्लाइडर आ गया। स्लाइडर आने का मतलब कि स्लाइडिंग पेयर होगा, स्लाइडर तो स्लाइड ही कर सकता है ना, तो स्लाइडिंग पेयर होगा। इसका मतलब इस लिंक में चार, इस मैकेनिज्म में चार तो लिंक होंगे, क्योंकि तीनों चारों की है, तीनों में ही चार लिंक होंगे, चार लिंक, चारों बाइनरी पेयर होंगे, चारों बाइनरी पेयर होंगे। बस इसमें क्या होगा, आपके चार टर्निंग पेयर थे पहले वाली में, इसमें तीन टर्निंग पेयर होंगे, तीन टर्निंग पेयर और एक स्लाइडिंग पेयर, एक स्लाइडिंग पेयर होगा। तो ये हो गई सिंगल स्लाइडर। डबल स्लाइडर में क्या होगा? डबल स्लाइडर में भी चार लिंक होंगे, चार पेयर होंगे, दो टर्निंग और दो स्लाइडिंग होंगे। डबल स्लाइडर, दो स्लाइडर है तो दो स्लाइडिंग पेयर हो गए, बचे कितने? तो दो टर्निंग हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से चार लिंक को यूज करके दो, चार लिंक को यूज करके तीन मैकेनिज्म बनती हैं जो प्रैक्टिकली यूज होती हैं, फोर बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म और डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, फोर बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म और डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, ठीक है, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। अब इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये मोशन प्रोवाइड करती है, किस तरीके से ये जो चेन है वो मोशन प्रोवाइड करती है। तो नंबर वन देखते हैं हम, फोर बार चेन। फोर बार चेन में मैंने अभी बताया, फोर बार चेन में क्या होता है, फोर लिंक्स होंगे, फोर बार चेन में फोर लिंक्स होंगे, फोर पेयर होंगे, और ये फोर पेयर जो है वो सारे के सारे कैसे होंगे? टर्निंग पेयर होंगे। सारे के सारे जो पेयर होंगे कैसे होंगे? टर्निंग पेयर होंगे। तो चार लिंक है यहाँ पे, लिंक नंबर वन, लिंक नंबर टू, लिंक नंबर थ्री, लिंक नंबर फोर, चार लिंक होंगे। इनमें से हर एक, कोई सी भी मैकेनिज्म हो, कोई सी भी मैकेनिज्म हो, कोई सा एक लिंक आपका जरूर फिक्स लिंक होगा, क्योंकि आपको फिक्स करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये भागी फिरेगी कहीं भी। तो एक किसी लिंक को तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। मान लो इस लिंक को आपने कर दिया फिक्स, एक हो गया फिक्स्ड लिंक। हर मैकेनिज्म में, चाहे सिंगल स्लाइडर हो चाहे डबल स्लाइडर हो, एक लिंक जो रहेगा वो आपका फिक्स लिंक रहेगा। उसके बाद दूसरा लिंक, दूसरा लिंक ये हो गया, तीसरा लिंक ये हो गया, चौथा लिंक ये हो गया, ठीक है। अब इस फोर बार मैकेन, फोर बार ये जो चेन है, इसको अलग अलग लिंक को फिक्स करके आप अलग अलग मैकेनिज्म बना सकते हो, ठीक है। एक मैकेनिज्म तो ऐसी हो सकती है जिसमें एक लिंक को आपने फिक्स किया और ये दो जो लिंक हैं वो रोटेट कर जाएंगे, दो जो लिंक है वो रोटेट कर जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों रोटेट करेंगे ना, लिंक नंबर टू और लिंक नंबर फोर, तो इनको बोलेंगे जो पूरा रोटेट करेगा 360 डिग्री, जो लिंक रोटेट करेगा ना, पूरा 360 डिग्री जो लिंक रोटेट करेगा, उसको, उस लिंक को बोलेंगे हम क्रैंक, उस लिंक को हम बोलेंगे क्रैंक, ठीक है। एक तो फिक्स लिंक हो गया, दूसरा जो पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा वो लिंक हो जाएगा क्रैंक, ठीक। दूसरा लिंक जो सिर्फ ऑक्सीलेट करेगा, जो ऑक्सीलेट करेगा पूरा 360 डिग्री घूमेगा, किसी एक एंगल पे ऑक्सीलेट करता रहेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, जैसे पेंडुलम करता है, तो पूरा रोटेट नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीलेट करेगा इस तरीके से, उसको हम बोलेंगे रोकर, उस लिंक को बोलेंगे रोकर। और क्रैंक और रोकर को जो लिंक कनेक्ट करेगा, जो ये लिंक नंबर थ्री है, इसको बोलेंगे कपलर, क्योंकि ये दोनों लिंक को कपल कर रहा है, जोड़ के रख रहा है, तो कपलर बोलेंगे, या कपलिंग रोड बोल सकते हैं, या कनेक्टिंग रोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे
कपलर, इसको बोलेंगे कपलर। तो एक हो गया फिक्स लिंक, एक हो गया क्रैंक, एक हो गया कपलर, एक हो गया रोकर। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक लिंक फिक्स किया और ये दोनों रोटेट कर रहे हो, दोनों रोटेट करेंगे, यहां से आपको तीन मैकेनिज्म मिल सकती है। अगर दोनों लिंक रोटेट करेंगे, ये क्रैंक भी रोटेट करेगी, रोकर भी पूरा 360 रोटेट करेगा, तो ये भी फिर क्रैंक बन जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ये हो जाएगी आपकी डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक, ठीक है। अब अगर ये वाला लिंक नंबर टू और लिंक नंबर फोर दोनों ऑक्सीलेट करेंगे, दोनों ऑक्सीलेट करेंगे, तो ये हो जाएगी डबल रोकर मैकेनिज्म, डबल रोकर मैकेनिज्म, ठीक। और एक रोटेट करेगा और एक ऑक्सीलेट करेगा, तो ये हो जाएगी क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्रैंक रोकर मैकेनिज्म में एक पूरा रोटेट करेगा और एक ऑक्सीलेट करेगा। जैसे आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो, साइकिल चलाते हुए आपकी फोर बार चेन बनती है। तो यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो, दिस इज द लिंक नंबर वन जो कि आपका फिक्स्ड है, दिस इज द लिंक नंबर वन जो कि आपका फिक्स्ड है, ठीक है। फिर अब इसमें जो सबसे बड़ा लिंक को अगर आपने फिक्स कर दिया, ये सबसे बड़ा लिंक है, अगर आपने इसको फिक्स कर दिया, तो आपकी जो मैकेनिज्म बनेगी दैट इज द क्रैंक रोकर मैकेनिज्म। ये क्रैंक है, देखो ये सबसे छोटा लिंक क्रैंक बन जाएगा, ये पूरा रोटेट कर रहा है इसके चारों तरफ, यहाँ पे देखो आप, ये हो गया आपका पूरा रोटेशन मोशन में मिल रहा है। ये वाला इसके जो अपोजिट वाला लिंक होगा, ये हो जाएगा रोकर, ये देखो आप, ये जो थाइस है हमारी, ये बन जाएंगी रोकर, ये तो सिर्फ ऑक्सीलेट करती है ऊपर नीचे इस तरीके से, और ये बन जाएगा आपका कपलर, ये तो इन दोनों को कपल करने का काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो दिस इज द क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, ये बन जाएगी आपकी क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, ठीक है, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म बन जाएगी अगर आप सबसे बड़े लिंक को फिक्स करोगे। तो जैसे इस तरीके से आप देख रहे हो कि साइकिल चलाते हुए आप बनाते हो एक फोर बार चेन, आप साइकिल चलाते हो बनाते हो एक फोर बार चेन, और वो फोर बार चेन कौन सी होगी, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म। डबल क्रैंक, डबल क्रैंक का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म यूज होती थी जो पुराने टाइप के स्टीम इंजन थे, जो छुक-छुक वाले इंजन थे, स्टीम इंजन, उसके पहियों में अगर आप देखो तो एक रोड लगी रहती थी। अगर आपने कभी देखा हो, आप चाहे तो नेट पे सर्च करके देख सकते हो, उसके पहियों में अगर आप देखो तो एक रॉड लगी रहती थी, ठीक है, और पहिए जो है वो तो रोटेट कर रहे हैं, तो एक जो पहिया है वो कनेक्ट, एक जो उसमें जो रॉड लगी है ना, दिस इज द कपलर, जो उसमें रॉड लगी रहेगी वो होगी कपलर। अब ये कपलर जिस पहिए से पीछे कनेक्ट होगी वो भी पूरा रोटेट कर रहा है, पहिया तो रोटेट ही करेगा, तो वो भी क्रैंक हो गया, और जिसमें लास्ट में कनेक्ट होगी वो भी रोटेट कर रहा है, तो वो भी क्रैंक हो गया। तो ये हो जाता है आपका डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल रोकर मैकेनिज्म आपको कहां मिलेगी, जो ट्रेन में पेंटोग्राफ होता है ऊपर, जो पेंटोग्राफ ऊपर होता है ना, जो लाइन से टच करके चलता है, वहां पे अगर आप देखो तो दो लिंक उसमें सिर्फ ऑक्सीलेट करते हैं, दोनों लिंक जो है ऑक्सीलेट करते हैं, तो दोनों लिंक ऑक्सीलेट करते हैं, तो वो जाती है आपकी डबल रोकर मैकेनिज्म। तो दिस इज द फोर बार चेन या फोर बार मैकेनिज्म, जो तीन अलग अलग तरीके से यूज हो सकती है, डबल क्रैंक, डबल रोकर और क्रैंक रोकर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मोशन आपको प्रोवाइड करेगी, अगर क्रैंक, अगर डबल क्रैंक है तो रोटरी से रोटरी में ट्रांसफर करेगी, डबल रोकर है तो ऑक्सीलेटिंग से ऑक्सीलेटिंग में ट्रांसफर करेगी, और क्रैंक रोकर है तो क्रैंक से रोकर में, यानी कि रोटरी से ऑक्सीलेटिंग में या फिर ऑक्सीलेटिंग से रोटरी मोशन में प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो बाकी किस तरीके से इसका मोशन होता है वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरीके से जो डबल क्रैंक मैकेनिज्म है वो काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चार लिंक है, चारों लिंक को अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखाया गया है, एक ब्लैक कलर में है जो कि फिक्स्ड लिंक हमने बनाया, दिस इज द क्रैंक रोकर मैकेनिज्म। यहाँ पे आप जो देख रहे हो सबसे जो फेमस होती है इसकी, वो क्रैंक रोकर मैकेनिज्म ही होती है। तो यहाँ पे आप जो मैकेनिज्म देख रहे हो, दिस इज द फोर बार, और फोर बार का कौन सा है, क्रैंक रोकर। क्रैंक रोकर में अगर आप देखो तो जो ब्लैक कलर का है वो है फिक्स्ड लिंक, एक लिंक को हमें फिक्स करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने ब्लैक लिंक जो है उसको कर दिया हमने फिक्स लिंक। फिर जो ब्लू वाला लिंक है, ब्लू वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लू वाला पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, जो ब्लू वाला लिंक है वो पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो वो हो गया आपका क्रैंक, ठीक है। और जो येलो वाला है वो रेड और ब्लू को सिर्फ कनेक्ट करके रखे हुए, तो वो कपलर हो गया। और जो रेड वाला है, रेड वाले का मोशन देखो, सिर्फ ऑक्सीलेशन है, पूरा नहीं घूम रहा, जो रेड वाला है वो पूरा नहीं घूम रहा है, रेड वाला सिर्फ ऑक्सीलेट कर रहा है, तो रेड वाला क्या हो गया, कपलर हो। तो इस तरीके से जो फोर बार मैकेनिज्म है वो काम करती है,
मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका वो भी आपको समझ में आ गया। तो ये होती है एक एक्चुएशन डिवाइस, जिससे आप रोटरी को ऑक्सीलेटिंग में या ऑक्सीलेटिंग को रोटरी में या रोटरी को रोटरी में या ऑक्सीलेटिंग को ऑक्सीलेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो मोशन को। तो इस तरीके से आप फोर बार मैकेनिज्म, जिसमें चारों, अगर आप ध्यान से देखो तो चारों जो पेयर है इसमें टर्निंग पेयर है, देखो ब्लैक कलर का और ब्लू कलर का जहां पे ज्वाइन है वहां पे जो ब्लू कलर का है वो रोटेट कर सकता है इसके चारों तरफ, टर्न कर रहा है तो ये टर्निंग पेयर। उसी तरीके से आप सारे जो ज्वाइंट है जहां पे जहां जहां पे ज्वाइंट हो रखे हैं, जहां जहां पे पेयर बना हुआ है वहां पे आप सारे पेयर को देखो, वो टर्न कर सकते हैं एक दूसरे के, वो टर्न कर रहे हैं। तो सारे के सारे जो पेयर हैं इसमें वो क्या है, टर्निंग पेयर है। तो दिस इज द फोर बार मैकेनिज्म जिसमें आपके चार टर्निंग पेयर है, चारों के चारों टर्निंग पेयर है। एप्लीकेशन आपको इसका समझ में आ गया है। उसके बाद देखते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जैसे इसका नाम है सिंगल स्लाइड, सिंगल मतलब वन, स्लाइडर मतलब एक, तो एक स्लाइडर होगा इसमें। अब स्लाइडर है तो स्लाइडिंग पेयर होगा, तो यहाँ पे भी देखो लिंक तो जो है वो चार ही है, जो लिंक है वो चार, चार लिंक चार पेयर, चार पेयर, इन चार पेयर में तीन तो है टर्निंग पेयर और एक है यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर, एक है यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर। अब देखो ये कैसे काम करते हैं, एक लिंक तो फिक्स होगा तो ये वाला लिंक हो गया फिक्स। अब देखो जो फिक्स लिंक होता है ना, जहां पे भी आप सरफेस को फिक्स करोगे वो वन ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिक्स है तो ये वन हो गया, यहाँ पे फिक्स है तो ये टू हो गया। जहां जहां पे भी फिक्स होगा वो एक ही लिंक रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिक्स है तो ये अलग, यहाँ पे फिक्स है तो ये अलग। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो ये पूरा फिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया लिंक नंबर वन। फिर ये है लिंक नंबर टू, लिंक नंबर टू यहाँ पे जो पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा वो रहेगा आपका क्रैंक, वो आपका रहेगा क्रैंक, ठीक है। फिर लिंक नंबर थ्री जो इनको कनेक्ट करेगा, लिंक नंबर टू और लिंक नंबर फोर को जो कनेक्ट करेगा, तो ये हो गया आपका कपलर या कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड, कपलर या कपलिंग रोड और कनेक्टिंग रोड, ठीक है, एक हो गया क्रैंक। और जो चौथा लिंक है देखो, ये वाला जो फोर्थ वन लिंक है, दिस लिंक इज द स्लाइडर, दिस लिंक इज स्लाइडर। और लिंक नंबर वन और लिंक नंबर फोर के बीच में कैसा मोशन है, स्लाइडिंग, ये इस पे स्लाइड करेगा ना इस तरीके से। तो लिंक नंबर वन और लिंक नंबर फोर के बीच में कैसा है, स्लाइडिंग है। तो एक स्लाइडिंग है इसमें, वो है वन और फोर के बीच में, बाकी सब टर्निंग है। देखो वन और टू ये यहाँ पे टर्न कर सकता है, टू और थ्री यहाँ पे टर्न कर सकता है, और थ्री और फोर यहाँ पे टर्न कर सकता है। तो तीन टर्निंग पेयर है और एक इसमें स्लाइडिंग पेयर है। तो दिस इज द सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन या सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जहां पे भी बात आती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी या रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करने की, तो सबसे पहले नाम याद आता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके इसके एप्लीकेशन है, जैसे स्टीम इंजन में भी यूज होता था, इवन रेसिप्रोकेटिंग जो इंजन है, इंटरनल कम्बशन इंजन है वहां पे इसका यूज है, रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर है वहां पे इसका यूज है। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। मेनली जो ये यूज है इसका वो होता है रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी में या रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से काम करती है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का सिलेंडर जिसमें ये येलो कलर का पिस्टन या स्लाइडर मूव कर रहा है, ये तो हो गया लिंक नंबर वन। ये जो पिस्टन है यहाँ पे, सॉरी जो आपका सिलेंडर है जो फिक्स है, दिस इज द लिंक नंबर वन जो कि फिक्स है, ठीक है। उसके बाद ये आप दूसरा जो देखोगे रेड कलर में, दिस इज द क्रैंक, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। रेड कलर में जो क्रैंक है, ये ब्लू कलर में और रेड कलर में जो मिला हुआ है, दिस इज द क्रैंक, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। उसके बाद ये वाला जो ब्राउन कलर में है, दिस इज द लिंक नंबर थ्री, ये कनेक्टिंग रोड है या कपलर है। और जो येलो कलर में है, दिस इज द लिंक नंबर फोर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देखो लिंक नंबर वन तो फिक्स है, तो लिंक नंबर वन और लिंक नंबर टू यानी कि क्रैंक के बीच में ये रोटरी मोशन आ रहा है, यहाँ पे पिन लगी हुई है, टर्निंग टर्न कर रहा है यहाँ पे, तो टर्निंग पेयर हो गया। उसी तरीके से टू और थ्री टर्न कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप देखो तो ये थ्री और फोर ये भी यहाँ पे टर्न कर रहा है, ये देखो घूम रहा है यहाँ पे, ये जो ब्राउन कलर का और येलो कलर का जहाँ पे जॉइंट है उसको देखो आप, यहाँ पे भी टर्न कर रहा है। लेकिन जो येलो कलर का और ब्लू कलर का सिलेंडर है वो आपस में स्लाइड कर रहा है,
एक यहाँ पे क्या है स्लाइडिंग पेयर, एक यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर है और तीन यहाँ पे टर्निंग पेयर है। एप्लीकेशंस इंटरनल कंबशन इंजन में यूज होता है इसको, इंटरनल कंबशन इंजन में या फिर कंप्रेसर में, और हैंड पंप में भी अगर आप देखो तो एक स्लाइडर रहता है, जो हैंड पंप में नीचे पानी निकालता है ना वो स्लाइडर होता है। दिस इज द सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, एक स्लाइडर होगा, तीन टर्निंग पेयर होगा। उसके बाद आते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो डबल स्लाइडर में भी नाम से ही लग रहा है, डबल मतलब दो और स्लाइडर मतलब स्लाइडिंग पेयर। तो अगर आप डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में देखो तो इसमें भी आपके चार लिंक होंगे, चार लिंक हैं यहाँ पे, और चारों लिंक चार जो हैं वो पेयर हैं, और इन चार पेयर में दो टर्निंग पेयर हैं और दो स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। देखो जितना ये फिक्स्ड पार्ट है ना, ये जो फ्रेम पूरा प्लस के साइन का जो फ्रेम पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरे का पूरा एक ही लिंक है, एंड दिस इज द फिक्स्ड लिंक। ये पूरा जो है दिस इज द लिंक वन या लिंक फोर, इसको हमने नाम दे दिया, इसको लिंक फोर हमने नाम दे दिया। ये पूरा एक ही लिंक माना जाएगा, दिस इज द फिक्स्ड लिंक, इसको हमने नाम दे दिया लिंक नंबर फोर। अब यहाँ पे इसके अंदर में एक है स्लाइडर, ये दिस इज द वन। अब वन और फोर के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है, स्लाइड करेंगे दोनों, जो वन है वो फोर के ऊपर स्लाइड कर सकता है, तो ये कैसा हो गया स्लाइडिंग पेयर। फिर ये वाला जो लिंक है, ये जो जिसने इसको लिंक वन और थ्री, जो तीन नंबर पे भी ये एक स्लाइडर ही है, ये तीन नंबर पे भी स्लाइडर है, तीन नंबर पे स्लाइडर है। तो वन नंबर और तीन नंबर के जो स्लाइडर को कनेक्ट करके रखा है, दिस इज द लिंक नंबर टू। लिंक नंबर टू क्या है, कपलिंग है, लिंक नंबर टू क्या है, कपलिंग है, कपलर है, ठीक है। तो लिंक नंबर वन और टू के बीच में जो ये ज्वाइंट है यहाँ पे, ये जो ज्वाइंट है, दिस इज टर्निंग पेयर, वन और टू के बीच में टर्निंग। उसी तरीके से टू और थ्री के बीच में टर्निंग, और थ्री और फोर के बीच में, थ्री ये वाला स्लाइडर है और फोर कौन सा है, फिक्स लिंक है, तो थ्री और फोर के बीच में स्लाइडिंग, तो दो टर्निंग और दो स्लाइडिंग पेयर, चार लिंक चार पेयर, दो टर्निंग दो स्लाइडिंग, ठीक है। तो किस तरीके से ये काम करता है, इस ये जो डिवाइस यहाँ पे बना हुआ है, इसमें ये वाला जो स्लाइडर है वो इस तरीके से स्लाइड कर सकता है, यहाँ पे ये वाला जो स्लाइडर है वो इस तरीके से स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसका किसी भी एक पॉइंट को अगर आप फिक्स करके देखोगे, तो इस जो ये वाला जो डिवाइस है, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल ट्रेमल, इलिप्टिकल ट्रेमल, इलिप्टिकल ट्रेमल मतलब इलिप्स जो शेप होता है, इलिप्स, इलिप्स जो शेप होता है उसको ट्रेस करने के काम आता है, उसको ट्रेस करने के काम आता है, मतलब इलिप्स को ड्रॉ करने के काम आता है, इलिप्स को बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। इलिप्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, दिस डिवाइस इज इलिप्टिकल ट्रेमल, ठीक है। कैसे काम करता है, देखो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इस तरीके से डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म याद करता है। इसमें जो येलो कलर के हैं वो दो स्लाइडर हैं, येलो कलर के जो हैं वो दो स्लाइडर हैं, एक तो ये ब्लू, डार्क ब्लू कलर में ये फिक्स्ड लिंक हो गया, और एक जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट करके रखी हुई है, दिस इज द कपलर। तो स्लाइडर और कपलर के बीच में दोनों पे आपको लिंक देखेगा, टर्निंग पेयर वो टर्न कर सकता है, जो स्लाइडर है वो स्लाइडर के ऊपर जो कपलर है वो टर्न कर सकता है, और जो स्लाइडर है वो फिक्स्ड लिंक में स्लाइड कर सकते हैं, दो टर्निंग पेयर दो स्लाइडिंग पेयर। अब इसमें अगर आप देखो कि यहाँ पे जो ये पिन लगी हुई है, यहाँ पे जो पिन लगी हुई है इसके, इस वाले गियर में, अगर आप इसका लोकस देखोगे तो सर्किल आएगा, इसका जो लोकस अगर आप देखोगे तो सर्किल आएगा, लेकिन अगर आप इसका एंड पॉइंट देखोगे जहां पे ये लीवर, येलो कलर का एक लीवर सा लगा हुआ है, अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो एक इलिप्स बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये वाली यहां से पास हो रहा है छोटी सी, ये हो गई इसकी माइनर एक्सिस, और जो इसका ये वाला पार्ट है, लंबा वाला जो पार्ट है, ये देखो यहाँ बहुत इसके भी ऊपर से निकल के जा रहा है, वहां से ऊपर से, तो ये हो गई इसकी मेजर एक्सिस। तो अगर आप हम इसको ट्रेस करेंगे ना, इस वाले पार्ट को ट्रेस करेंगे, तो ये बनाएगा आपका एक डबल स्लाइडर कैंग, ठीक है, डबल स्लाइडर कैंग। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लीवर यहाँ पे लग रहा है, अगर मैं इसको ट्रेस करूंगा, ये जो लीवर है देखो, ये इसको अगर मैं ट्रेस करूंगा तो ये बनाएगा एक इलिप्स इस तरीके से। तो ये डिवाइस का नाम होता है इलिप्टिकल ट्रेमल, इलिप्टिकल ट्रेमल, इलिप्स को ट्रेस करने के लिए ये यूज किया जाता है, इलिप्स को ट्रेस करने के लिए ये जो मैकेनिज्म है वो यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है कैम एंड फॉलोवर, नेक्स्ट डिवाइस इज कैम एंड फॉलोवर। तो कैम एंड फॉलोवर में देखते हैं, कैम एंड फॉलोवर क्या होते हैं, बेसिकली कैम एंड फॉलोवर एक साथ ही यूज होते हैं हमेशा, तो कैम अकेले कहीं यूज नहीं होती है, कैम एंड फॉलोवर ही यूज होता है। अब देखो कैम एंड फॉलोवर क्या होता है,
इस तरीके से काम करता है कैम एंड फॉलोवर, जहां पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन तो चाहिए, रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में हमें कन्वर्ट तो करना है, लेकिन इंटरमिटेंट मोशन चाहिए। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के, बीच बीच में, कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, ठीक है। उस जगह पे हम यूज करते हैं कैम एंड फॉलोवर। किस तरीके का होता है, देखो इस तरीके के एक शेप की होती है एक कैम जो रोटेट करती है एक एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये कैम जो है वो रोटेट करेगी। अब जब ये रोटेट करेगी तो यहाँ पे इसको ये वाला जो डिवाइस है ये रेसिप्रोकेट कर सकता है इस तरीके से ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट, तो ये इसको रोटेट, इसको यहाँ से ऊपर उठाएगी फिर ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग लगे हुए हैं आपके, देखो स्प्रिंग लगे हुए तो ये नीचे आ जाएगा, फिर ये जब वापस घूम के इधर से आएगी तो इसको ऊपर उठाएगी, तो इंटरमिटेंट मोशन मिलता है इसमें। रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करती है और इंटरमिटेंट में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब ये अलग अलग टाइप के फॉलोवर यहाँ पे बने हुए हैं, दिस इज द नाइफ एज फॉलोवर, इसमें देखो शार्प एज है, इस वाले में शार्प एज है तो नाइफ एज, इसमें नुकसान क्या होता है ये घिस देता है कैम को, वियर बहुत ज्यादा करता है। तो फिर यहाँ पे आ गया एक रोलर फॉलोवर, ये रोलर फॉलोवर हो गया, ये फ्लैट प्लेट फॉलोवर हो गया, और ये कैसा हो गया स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हो गया, दिस इज द स्फेरिकल पे है। तो ये तो अलग अलग टाइप हो गए कैम फॉलोवर के, इस तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पे ये जो फॉलोवर है इसको एक सर्टेन टाइम पे नीचे नीचे ये झुका रहा है, और इस वाले को एक सर्टेन टाइम पे, बाकी टाइम पे ये ऊपर आ जाता है। यहाँ पे स्प्रिंग लगे हुए हैं, इस वाले डायग्राम में स्प्रिंग नहीं बने हुए लेकिन इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं जिसकी वजह से ये वापस ऊपर आ जाता है। तो कैम का जब ये वाला पार्ट इसको इसे टच करता है तो ये नीचे पुश हो जाता है और बाकी टाइम पे ये ऊपर। तो कैम एंड फॉलोवर जो है वो इंटरमिटेंट मोशन, इंटरमिटेंट रेसिप्रोकेटिंग मोशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज की जाती है। काफी ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं कैम के, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस एप्लीकेशन है दिस इज द वॉल्व एक्चुएशन मैकेनिज्म ऑफ आईसी इंजन, वॉल्व एक्चुएशन मैकेनिज्म ऑफ आईसी इंजन में इसका यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैम ये है और एक कैम ये है, ये इसका फॉलोवर है, इसको नीचे पुश करता है, इसके साथ में कनेक्ट है आपका इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व, फोर स्ट्रोक इंजन है ये, फोर स्ट्रोक जिसमें वॉल्व्स होते हैं। तो आप देखो कि कैम जो है वो इसको नीचे एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हमें इनटेक कराना है, जब हमें सक्शन कराना है, फ्रेश चार्ज को सिलेंडर में एंटर कराना है, उसी टाइम पे इस वॉल्व को नीचे ओपन करती है, और उसी तरीके से एग्जॉस्ट वॉल्व को भी उसी टाइम पे ओपन करेगी जब पूरे का पूरा जो एग्जॉस्ट है वो हमें बाहर निकालना होगा। तो एक पर्टिकुलर निश्चित फिक्स्ड टाइम पे ही ये वॉल्व्स को ओपन करेगी और बाकी टाइम पे जो वॉल्व्स हैं वो बंद रहे। तो इस तरीके से ये कैम एंड फॉलोवर जो है वो यूज किए जाते हैं। दीज आर अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल एक्चुएटर्स, मैकेनिकल एक्चुएटर्स। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, जो लिंकेज थी हमारी फोर बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर, क्रैंक और डबल स्लाइडर, उनके अलग फंक्शंस थे, कैम का अलग है। यहाँ पे रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट तो करना है लेकिन इंटरमीडिएट मोशन हमें चाहिए बीच बीच में, जब एक फिक्स टाइम पे चाहिए, जो हमारा डिजाइन है जिस टाइम पे हमें पुश कराना है किसी चीज को एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, उसी समय पे कैम ऑपरेट होगी, बाकी टाइम पे वो जो है वो रोटेट करती रहेगी। तो एक फिक्स टाइम पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं कैम एंड फॉलोवर्स का, जनरली दोनों एक साथ ही यूज होते हैं कैम एंड फॉलोवर, ठीक है। सिंगल कैम का कोई यूज नहीं है, सिंगल फॉलोवर का कोई यूज नहीं है। तो दिस इज अबाउट द कैम एंड फॉलोवर।